हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग में मिवान का अन्नप्राशन है और हम उसका फेस रिवील करने वाले हैं। ये अन्नप्राशन के पहले दिन वाला वीडियो है जिस दिन दीप अमावस्या था। कनाडा में है तो क्या हुआ, हम लोग सारे ही त्यौहार मनाते हैं। दीप अमावस्या क्या होता है ये मम्मी आपको बताएंगी। मम्मी, दीप अमावस्या के दिन दीप आरती क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि दीप अमावस्या उसका नाम ही है कि सनातन धर्म में तमसोम ज्योतिर्गमय, इसीलिए बच्चों का भविष्य तेजोमय होना चाहिए, उसका आयुष में सब कुछ तेजोमय होना चाहिए, इसीलिए दीप का दीप को बहुत महत्व है सनातन धर्म में। इसीलिए हर एक काम में हम दीप जला के सब शुभ कार्य शुरुआत करते हैं। हाँ, इसीलिए बच्चों को दीप अमावस्या के दिन आरती करते। नीदू के अन्नप्राशन के लिए हम लोग ऑर्गेनिक फूड लाने आए हैं, यहाँ पर होल फूड्स। ये हम रात को सारी तैयारियां कर रहे थे, डेकोरेशन कर रहे थे, जो जो उसके लिए छोटे छोटे चीज़ें लाए थे अन्नप्राशन के रिलेटेड, वो सब हम वॉल पे लगा रहे हैं। निवो, स्वीट पोटैटो, दिस इज कैंटल, दिस इज बनाना, कैरेट, ये है डेट्स। डेट्स मैंने बॉईल करने के लिए रखा है बिकॉज डेट्स का पानी मैं शुगर का सब्स्टिट्यूट जैसे मैं यूज़ करूँगी, तो हम शुगर उसको बिल्कुल भी नहीं दे रहे, उसका सब्स्टिट्यूट डेट का पानी देंगे। इस तरह वो छान के आप उसका पानी यूज़ कर सकते हैं। डेट का पानी मैंने थोड़ा सा लिया है, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, और ये पाउडर किया हुआ राइस है जो इंद्रायणी राइस मिलती है, दैट्स अ टाइप ऑफ राइस, वो मैंने भिगो के उसको सुखा के उसका पाउडर करके रखा है, जिससे मैं उसको इंस्टेंटली ऐसे उबाल के कुक करके दे सकती हूँ। यहाँ मैं सब कुछ अरेंज कर रही हूँ, जो जो उसको खिलाना है, जो जो बस डिस्प्ले के लिए रखना है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, सारी चीज़ें। एंड ये है फाइनल लुक हमारे मेहमान के अन्नप्राशन का। अभी मिवान सो रहा है और हम सब रेडी हो रहे हैं, थोड़ी देर में उसका अन्नप्राशन स्टार्ट कर देंगे। बट यहाँ पर क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। दिस इज कैरेट एंड स्वीट पोटैटो का मैश्ड, बॉईल करके मैश किया है मैंने, तो कैरेट एंड स्वीट पोटैटो मैश। ये है बनाना, बनाना मैंने थोड़ा सा बॉईल किया है क्योंकि रॉ बनाना अभी छोटा है तो पता नहीं दे सकते हैं कि नहीं, इसलिए मैंने इसको बॉईल किया है। ये है मस्क मेलन या फिर कैंटलूप जो यहाँ पर बोलते हैं, खरबूज जो हम बोलते हैं, तो वो बॉईल करके मैश किया है। और ये है
राइस जो हम उसको ये फर्स्ट खिलाएंगे। अब इसमें से किसी भी आइटम में मैंने नमक नहीं डाला है और शुगर नहीं डाला है, ना ही जैगरी डाला है, क्योंकि हम लोग निवान को एटलीस्ट 2 इयर्स तक शुगर नहीं देने वाले हैं। सो लेट्स सी, हम लोगों ने डिसाइड किया है। और नमक तो 1 साल तक छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, उनके किडनीज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते टू प्रोसेस द सॉल्ट, इसीलिए नमक नहीं है किसी में भी और शुगर नहीं है। इसमें मैंने शुगर का सब्स्टिट्यूट डेट का बॉईल करके जो आपने देखा वीडियो में वो मैंने उसमें थोड़ा डेट का पानी डाला है और उसमें नटमेग और इलायची भी थोड़ा डाला है। छान के लिया तो उसमें कुछ भी नहीं जाएगा बट उसका फ्लेवर रहेगा, इसलिए वो ये उसका स्वीट डिश है आज के लिए। लेट्स सी वो कितना एक्साइटेड है खाने के लिए। एक्साइटेड तो वो लग रहा था बिकॉज उसको कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट उसको पसंद आएगा या नहीं वो नहीं पता। उसका दूध वैसे भी रेडी रखा है, अगर ये चीज़ें नहीं पसंद आए तो उसको दूध देने वाला है। यहाँ पर पापा भी रेडी है। पापा ऑल गुड। ग्रैंड मदर इज ऑल्सो रेडी। मीमो रेडी? यस। यू चेकिंग आउट द डेकोरेशन? हाउ इज इट मीमो? हेंगा द डेकोरेशन हेंगा द वाओ ब्यूटीफुल डीपी। Little bundle of joy. Mivan, Mivan, huh? Mivan, Mivan. Mivu, look at her. Nee, mama. Mivu, nagule. किसी भी सेलिब्रेशन या ओकेजन के पहले हम गणपति की पूजा करते हैं, तो गणपति की पूजा पहले करके हम स्टार्ट करेंगे अन्नप्राशन। जो कलश दिख रहा है उसमें हम नैवेद्य जो भगवान को दिखाया होता है उसमें स्वीट डिश जैसा ही एक रवा और गुड़ से बनाया होता है वो नैवेद्य दिखा के हमने इधर रखा है। तो वो चीज़ें हैं। आई एम श्योर हर कल्चर में और अलग अलग जगहों में वैरायटी ऑफ वेज से अन्नप्राशन को सेलिब्रेट करते होंगे। ये हम लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर आप लोगों ने आपका अन्नप्राशन कैसे सेलिब्रेट किया, क्या अलग करते हैं वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसका फर्स्ट बाइट वो कन्फ्यूज हो गया कि अरे ये क्या खिला दिया, और फिर बाद में उसको अच्छा लगने लगा तो वो और खाते गया। फिर उसके पापा ने भी उसको खिलाया, उसके मीमो ने उसको खिलाया, मतलब उसके नानी ने खिलाया। अन्नप्राशन भी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अन्नप्राशन तो संस्कृत वर्ड है, पर आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये हमें बताना। कैसे चटोरे के जैसे खा रहा है।
उसी दिन शाम को मैंने उसको एक फ्रूट स्नैक दिया था इस फ्रूट फीडर में, या फिर इसको निबलर भी बोलते हैं जो मार्केट में मिल जाता है, पर ये खाने के लिए कितना कन्वीनियंट होता है उनके लिए, और वो मस्त एंजॉय भी कर रहा है। फिर हम गए मंदिर। ये मैंने ये मंदिर पहले भी दिखाया है, ये विट्ठल मंदिर है जो मिसिसागा में है। मंदिर में वो सब कुछ क्यूरियसली देख रहा था, वो लाइटिंग्स और ब्राइट कलर्स, तो उसको बहुत अच्छा लगा। सो ये था अन्नप्राशन और फेस रिवील वाला व्लॉग। सेलिब्रेशन के लिए जो जो सामान मैंने इंडिया से मंगवाया था वो सब मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक दैट आउट। एंड मेवान भी बोल रहा है। मेवान किसके जैसे दिखता है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, एंड उसको बहुत सारा आशीर्वाद देना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Yeah, don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं next vlog में जल्दी, bye. और ये सारे photos हैं मेवान के birth से लेके 6 months वाले तक, जो जो उसके cute moments थे वो हमने capture किए हैं और आज हम सबको दिखा रहे हैं।